हेलो फ्रेंड्स, यूपी टेट 2019 जो 22 तारीख को परीक्षा होने जा रही है उसमें ईवीएस पेपर पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो परीक्षा में आ सकता है। अब पारंपरिक तरीके से परीक्षाओं में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए आप बिल्कुल नए तरीके से पढ़िए। संभवतः प्रश्न मिति बदल चुकी है। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ सबसे पहले आपको मालूम होगा ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, पांच महासागर आपको मालूम है। ये प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर सबको मालूम है, एरो देखिए आप, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी सागर, और ये आपका उत्तरी सागर। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं 1987 में ओजोन क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में, याद रखिएगा। अक्सर पूछ सकता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ? कनाडा में हुआ। किस सन में हुआ? 1987 में हुआ। किस लिए हुआ? ओजोन क्षरण को रोकने के लिए हुआ। और वैसे आप जानते भी होंगे कि सबसे अधिक जो है अम्ल वर्षा कहाँ होता है? सबसे अधिक अम्ल वर्षा स्कैंडिनेवियन सिटी में होता है, जो इधर होता है यूरोप में। ठीक है, चलिए। उसके बाद ठीक 10 साल बाद, 1987 के ठीक 10 साल बाद 1997 में जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल होता है। क्योटो प्रोटोकॉल क्यों होता है? ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। अब देखिए, तत्वों को समझेंगे हम लोग भूल नहीं सकते। 87 के 10 साल बाद 97 में ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए क्योटो शहर जापान में क्योटो प्रोटोकॉल होता है। आपको मालूम है जापान चार द्वीपों पर बसा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है समुन्दर का सतह ऊपर उठता है, और जो समुद्र के किनारे द्वीप आया स्थल होते हैं वो पानी में डूबने के पूरे चांस में रहते हैं। इसलिए इसकी पहल जो है जापान ने अपने क्योटो शहर में किया। इसी का दूसरा रूप जो है पेरिस समझौता हुआ 2016 में, ये भी ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। याद रखिएगा, भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस समझौते पे हस्ताक्षर किया ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? पृथ्वी का तापमान जब बढ़े, और पृथ्वी का तापमान कब बढ़े? तीन कारणों से। पहला, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। दूसरा, विपरीत दिशाओं से हवाओं के टकराने के कारण। तीसरा कारण, सूर्य की विकिरण ऊर्जा द्वारा। ये तीन ऐसे कारण हैं जिससे सबसे अधिक पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। और तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? आप सबको मालूम है ध्रुवों पर बर्फ ही बर्फ है, ध्रुवों पर, दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव। अब बर्फ क्या होगा? पिघलेगा, पिघल के कहाँ आएगा? समुन्द्र में आएगा, और समुन्द्र का सतह ऊंचा हो जाएगा। जैसे कहा जाता है 2050 में भारत का आर्थिक राजधानी मुंबई का आधा हिस्सा समुद्र में डूब जाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आगे है, आज कहाँ है? समुद्र। ठीक है, छोड़िए। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ईरान में हुआ था रामसर समझौता, 1972 में हुआ था। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जो है ईरान में रामसर समझौता हुआ था। और आपसे पूछा जाए, बताइए कौन से महाद्वीप पर सबसे अधिक आर्द्र भूमि है? तो आर्द्र भूमि वाला महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। ठीक है, अब इसी को आप जो है दूसरे पेज में आते हैं। अब आप बताएंगे आप क्या समझे। सबसे पहले आपको बताना होगा यहाँ कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, किस सन में हुआ। जैसे यहाँ देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ आपको बताया गया था। सबसे पहले सन बताएंगे आप, तो किस सन में हुआ? तो 1987 में हुआ। क्लियर है? और कहाँ हुआ था ये? कनाडा में। ये मालूम है किस लिए हुआ था ये? आपको बताना है ओजोन क्षरण को रोकने के लिए। ठीक, हमने आपसे बताया था 1987 के बाद 10 साल बाद 1997 में क्या हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। किस जगह हुआ था? तो क्योटो शहर में। क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो शहर में किस देश में है? जापान में। आपको मालूम है जापान में सबसे अधिक मछली पकड़ी जाती है। और क्योटो प्रोटोकॉल जापान में किस लिए हुआ था? तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सेम यही प्रॉब्लम यहाँ आई थी, पेरिस समझौता हुआ था, और कब हुआ था? 2016 में हुआ था। तो भारत ने साइन हस्ताक्षर कब किया था? 2 अक्टूबर 2016 को। तो पेरिस समझौता किस लिए हुआ था? पेरिस समझौता जो है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। पेरिस समझौता कहाँ हुआ? फ्रांस की राजधानी पेरिस। ठीक है, और पेरिस किस नदी किनारे है? तो सीन नदी के किनारे। उसके बाद आपको बताना है रामसर समझौता कब हुआ। तो रामसर समझौता
उसी सन हुआ जिस सन भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम बना, यानी कब? 1972 में, भारतीय परियोजना 1973 में, सॉरी भारतीय परियोजना 1992 में, बाघ परियोजना 1973। ठीक है, समाज की वानिकी कार्यक्रम कब हुआ था? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 में। ठीक है, तो रामसर समझौता किस लिए हुआ था? आर्द्र भूमि के लिए हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ईरान में हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।